The textile sector offers significant employment opportunities. It is today our second largest employer after agriculture. Over 45 million people are employed directly in the sector, and over 60 million people are employed in allied activities. और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सरकार में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पिछले वर्ष एक टेक्सटाइल पैकेज दिया गया है जिसके तहत अप्रैल और मेडअप सेक्टर को मजबूती दी जा रही है. सरकार ने तय किया है कि अप्रैल और मेडअप सेक्टर में जो भी कंपनी या कारोबारी नए लेबरर्स को, नए श्रमिकों को रोजगार देते हैं, उन्हें आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी. लेकिन आर्थिक मदद का तरीका यह होगा कि वो जिस भी कर्मचारी को रखेंगे उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंपनी की तरफ से जो 12% राशि दी जाती है उसे सरकार खुद वहन करेगी. इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक फॉर्मल सेक्टर में शामिल होंगे. इसके अलावा सरकार ने अप्रैल सेक्टर में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी रास्ता खोला है. यानी ये श्रमिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नियुक्त होंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें वही सुविधा मिलेगी तो किसी परमानेंट कर्मचारी को मिलती है. क्योंकि टेक्सटाइल में एक स्थिति ऐसी होती है, बड़ा ऑर्डर आते समय बहुत लोगों को रखना पड़ता है. ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद लोगों को छुट्टी देनी पड़ती है. हमने ऐसी व्यवस्था की है कि उसको परमानेंट जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी इसके साथ मिलेंगे. इससे भी श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार आएगा. इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस सेक्टर की कंपनियों को छूट दी गई है. ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां कम से कम 100 श्रमिक है वो किसी नए श्रमिक को 150 दिन तक रोजगार देती हैं तो भी उन्हें टैक्स में राहत दी जा रही है.